सब्सक्राइब कीजिए रोम्बस रोहित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम रोम्बस रोहित चैनल। सो गाइस, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको ये सारा स्टॉक दिखाने वाले हैं, पीछे तक है एंड चार पांच कार उधर और खड़ी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस, बेसिकली मतलब मिक्स स्टॉक है, एसयूवी भी दिखाएंगे हम आपको, हैचबैक भी दिखाएंगे एंड थोड़ी बहुत सेडान भी दिखाएंगे। सो आज हमारे साथ है फिर से श्रेय भाई। सो कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। सो भाई फिर बताओ आज के व्लॉग के बारे में कुछ। तो भाई हम आपको जो कह रहे थे कि हम मिक्स सेगमेंट लेकर आएंगे, ओके, एसयूवी सेडान लग्जरी में भी इंडियन में भी, छोटी गाड़ी सीएनजी तक आज हमारे पास है, ओके, हमने पहले कभी छोटी रखी नहीं एंड सारी विद सर्विस रिकॉर्ड है, विद सर्विस रिकॉर्ड एंड नॉन एक्सीडेंटल सर्टिफाइड, कोई मीटर टेम्पर्ड नहीं है, कोई नॉन एक्सीडेंटल, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का एयर बैग आज तक कुछ नहीं खुला, कोई ऐसा नहीं कि चारों पिलर खराब हो, कुछ जंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको गाड़ी हम बेकार दें। अब आज हमें कंप्लेंट दो, हमारी सारी कार सर्टिफाइड जाते हैं, हमें हम यही चीज़ की गारंटी देते हैं कि आपको खुश रखना है, हमें गाड़ी पूरी चेक करो। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, मतलब सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत मेन रखते हैं एंड गाइस, मतलब कोई भी आप ऊपर पढ़ सकते हो, वैल्यू योर ट्रस्ट, ओके, आप पढ़ सकते हो मिस्टर कार नीचे। बाकी भाई आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पर्सनल मैकेनिक से हम आपके साथ खुद जाएंगे, किसी एडवाइजर से आप बात खुद करोगे, ओके, हम अगर नहीं करेंगे आपको अगर किसी पर भरोसा नहीं होता वो बात ही अलग है, आप खुद बात करो किसी से भी, आप एडवाइजर से बात करो किसी कंपनी की, चाहे हुंडई का हो, चाहे फोर्ड का हो, चाहे किसी का भी हो, जैगवार को, बीएम को, जहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि इस बंदे से मैं अगर मैं गाड़ी चेक कराती हूँ तो मेरे को लगता है कि गाड़ी ठीक होगी, ये हम आपको पहला ऑफर देंगे। गाड़ी लेने से पहले पहले गाड़ी को पूरी चेक करा लें, आप अपनी तरफ से पूरी सेटिस्फेक्शन ले लें, बाकी गाड़ियाँ वहाँ तक और वहाँ तक एंड थोड़ी बहुत और, ठीक है, थोड़ी बहुत अंदर और कार है क्योंकि हमने लास्ट स्टॉक में हमने आपको ये वाला स्टॉक दिखाया था, ठीक है। सो भाई फिर फाइनेंस का तो सबको पता ही है, ऑल इंडिया फाइनेंस हो ही जाएगा, इसका टेंशन बचा होगा पाँच साल से ऊपर, अगर मान लो 2017 है तो उसका पाँच साल भी हो जाएगा, 2018 है हम उसको सात साल भी हो जाएगा, ओके, सेवन ईयर्स के भी चांसेस है, ओके। सो भाई फिर स्टार्ट करें ब्लॉग, स्टार्ट करते हैं, पहली गाड़ी हम आपको दिखाएंगे ऐसी भी बड़ी गाड़ी, ओके। सो गाइज पहली कार हम आपको दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो। सो गाइज आज की पहली कार हम आपको दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो। सो भाई बताइए इसके बारे में। रोहित पहली गाड़ी दिखा रहे हैं स्कॉर्पियो S6 प्लस है, 2015 एचआर रजिस्ट्रेशन 1760 नंबर है, गुड़गांव नंबर है, गुड़गांव नंबर बेस्ट है, सेकंड ओनर डीजल की गाड़ी है, महिंद्रा आपको पता ही है, मजबूत गाड़ी, हाँ जी हाँ जी, 8-15 आस्किंग करते हैं, बाकी आपको पता है नेगोशिएबल आपके लिए तो वैसे ही अलग से, काउंटेबल तो वैसे ही अलग से, एंड फाइनेंस हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी आराम से हो जाएगी, एंड गाइस सेकंड ओनर है एंड इसकी डिमांड है 8,15,000, तो बहुत कम, बाकी नेगोशिएबल है, बाकी कर रहे हैं, ठीक है ब्रो। सो गाइस मतलब अब नेक्स्ट तीन कार हम आपको दिखाएंगे फोर्ड एंडेवर, मतलब तीनों फोर्ड एंडेवर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल एंड सो भी हम बताते हैं आपको, तीनों की अलग लगती है कलर की वजह से भी और बाकी थोड़ी एनहांस करके जो इसकी लाइट से आगे कस्टमाइज है दो गाड़ियों में। सो गाइस मतलब दो है 3.2 एंड एक है 2.2 शायद व्हाइट वाली है। सो भाई फिर बताइए पहली गाड़ी जो है एंडेवर 2019 है, ऑटोमेटिक 2.2, तीनों में सनरूफ आएगी, तीनों के बाद में बताऊंगा, इसके अंदर सनरूफ आएगी, दिल्ली नंबर है 5004, फैंसी नंबर के साथ है, सिंगल ओनर, सिर्फ 35,000 गाड़ी चली है, 36,000 कुछ चली होगी, 35,000 कुछ, बाकी प्राइस की बात करें 32.25, 32-25 आस्किंग करते हैं, नई गाड़ी बहुत महंगी है 2019 के हिसाब से बहुत सस्ती हो गई, हाँ जी, कस्टमाइज लाइट इसके अंदर आती है, अगर आप गेट खोलोगे, ठीक है। सो गाइज इसकी डिमांड है 32,25,000 एंड बाकी ऑन टेबल तो नेगोशिएबल है ही। सो गाइज नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं फिर 3.2। सो भाई इसके बारे में बताइए, 4x4 ऑटोमेटिक रेड चेरी कलर, अच्छा ये 4x4 है, ये 4x4 एंड ये वाली ये 4x2 है, अच्छा ये 4x2 थी एंड ये है 4x4 एंड ये भी 4x4 होगी क्योंकि 3.2 है। सो भाई मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? ये आती है ऑटोमेटिक है, मैनुअल में नहीं, ओके ऑटोमेटिक है। ये 2016 जिसके लिए कम बजट के लिए अच्छी गाड़ी है, सेकंड ऑनर गाड़ी है, एचआर नंबर है 3850 नंबर आपके सामने, फरीदाबाद नंबर है, फरीदाबाद नंबर है, बाकी इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ वैलिड है, प्राइस की बात करेंगे 2550 आस्किंग है, बाकी नेगोशिएबल आपको पता ही है करेंगे, एंड ये भी वही उसी की तरह लाइट आपको पता ही है, पहले जला के दिखाया, अभी हमने आपको दिखाई थी, सो मतलब सेम ही है जी, एग्जैक्ट, ठीक है। सो इसकी डिमांड आपने बताई भाई 2550, ओके इसकी डिमांड है गाइस 2550 एंड इजीली फाइनेंस भी हो जाएगी एंड सिंगल ओनर ब्रो, ये सेकंड ओनर, अच्छा सेकंड ओनर है, ठीक है। सो गाइस चेरी कलर की एंडेवर की डिटेल्स हो गई है एंड नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं फिर
ग्रे कलर की या स्काई ब्लू क्या बोलेंगे इसको? कुछ भी कह सकते हो, ग्रे कलर ही कहेंगे, लाइट ग्रे कुछ भी कह सकते हैं, जो कस्टमर को अच्छी लगती है वो अपना नाम दे देते हैं इसे। ओके, फोर्ड एंडेवर नाम से दिखती है, आपको पता ही है तीनों गाड़ी। वैसे 3.2 है ये भी, 4x4 ऑटो 2017 है, सेकेंड ऑनर गाड़ी है, चली होगी मेरे ख्याल 50-55 हज़ार, इसके ऊपर नहीं चलती है ज़्यादा, बाकी चलने को तो आप नंबर चला सकते हो। एंड ये स्टॉक ग्रिल है इसकी? हाँ जी, मतलब स्टॉक ग्रिल है आराम से। सो गाइज, मतलब जैसे कंपनी से ऐसी ग्रिल आती है, एंड ये जैसे हमने आपको ये दिखाई, ये मॉडिफाइड है, कस्टमाइज्ड है, ये कंपनी फिटेड जो आती है। सो ये तो भाई आफ्टर मार्केट है ना? आफ्टर मार्केट। ओके ठीक है। सो भाई कंपनी में भी लगती है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट हो, कंपनी से भी लोग लगवा लेते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। प्राइस की बात करेंगे 2950 मांगते हैं, बाकी आपको पता ही है, नेगोशिएबल करेंगे आराम से। ओके 29,50,000 एंड बाकी नेगोशिएबल है, ठीक है ब्रो। एंड फाइनेंस हो जाएगी तीनों आराम से? इजीली तीनों फाइनेंस हो जाएंगे। सो गाइज, नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं वैगनार। सो भाई बताइए। रोहित भाई, छोटी गाड़ियों पर भी हम आ जाते हैं। वैगनार है 2014, कंपनी फिटेड सीएनजी, ग्रीन सीएनजी लगी है। ओके, डीएल नंबर है 2130, नंबर आप देख लो एक बारी। 58,000 जनवन चली है, पेट्रोल प्लस सीएनजी, सिंगल ओनर गाड़ी है। 3,40,000 रुपये मांगते हैं, बाकी कम कर लेंगे, जो भाई लोग आएंगे उनके लिए कम आराम से कर लेंगे। तो भाई ये कंपनी ग्रीन है, सीएनजी कंपनी ग्रीन है, इसके अंदर जो नोजल है वो पेट्रोल वाला जो होता है उसके साथ ही लगी है, कंपनी ग्रीन। आप अगर कोई भी ऐसा चलाएगा, कोई फील ऐसा है कि पेट्रोल पे या सीएनजी पे कोई नजर नहीं कर सकता, ठीक है, किस पे चल रही है, कंपनी का फायदा ये होता है। डिमांड आपको बता दी, गाड़ी बहुत साफ है, एंड दिल्ली नंबर ये? दिल्ली नंबर है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं होंडा अमेज। सो भाई बताइए इसके बारे में। तो रोहित भाई, होंडा अमेज वी ऑटोमेटिक 2014 है, पेट्रोल की गाड़ी है, 68,000 चली है, सेकेंड ओनर कार, दिल्ली नंबर 3629, ठीक है, 4.5 लाख रुपए मांगते हैं, मैरून कलर है, गाड़ी बहुत साफ है, बाकी नेगोशिएबल आपको पता ही है, ठीक है। सो गाइस सेकंड ओनर है एंड इसकी डिमांड है 4.5 लाख रुपए, एंड पेट्रोल वेरिएंट है, तो पेट्रोल वेरिएंट है। ओके ठीक है। सो भाई एसएमटी या वीएमटी है ये? वीएमटी हो सकती है। हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, ठीक है ब्रो। सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं i20 स्पोर्ट्स। हाँ जी, तो भाई i20 स्पोर्ट्स 2010 है, पेट्रोल की 55,000 चली है, सेकेंड ओनर गाड़ी है, 2,30,000 रुपये मांगते हैं, दिल्ली नंबर है, बाकी इसके अंदर जो हम बेस्ट टू बेस्ट रेट कर सकते हैं, दिल्ली वाले भाई के लिए 5 साल चलेगी आराम से। i20 गाड़ी अच्छी है, लोग सीएनजी भी लगवा सकते हैं, सीएनजी अच्छी चलती है, पुरानी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, बाकी पेट्रोल पर भी अच्छी चलती है, आपको पता है, मतलब सही है, अगर नॉर्मल यूज के लिए भी कर सकते हैं, अगर मतलब किसी को कार सीखनी है उसके लिए भी ठीक है, उसके लिए भी अच्छा है, किसी का बजट कम है, i20 दिखने में अच्छी लगती है, किसी को बताने में भी ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है ब्रो। सो 55,000 विद सर्विस रिकॉर्ड चाहिए ना? 55,000 विद सर्विस रिकॉर्ड। सो गाइस नेक्स्ट कार आ गई होंडा सिटी। सो भाई बताइए, VX आई है टॉप एंड, VX विद सनरूफ, VX उस वक्त का टॉप मॉडल है, होंडा सिटी 2015 है, 35,000 जेन्युइन चली है, ओके, विद सर्विस रिकॉर्ड, सिंगल ओनर गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, 7,50,000 रुपए मांगते हैं, सनरूफ वाली गाड़ी है, हाइट एडजस्टेबल सब कुछ आता है इसके अंदर सीट्स में, ठीक है, ऑल ओवर हर चीज टॉप एंड है, टॉप एंड है गाड़ी। तो गाइस इसमें मतलब अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे एंड सनरूफ भी मिलेगा एंड टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, एंड ये आपको मिल जाएगा 7.50 लाख, बाकी आपको बता नेगोशिएबल क्वांटिटी से, ठीक है ब्रो, डन। सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। सो भाई बताइए। तो रोहित भाई, टोयोटा आपको पता ही है बहुत चलती है, इनोवा क्रिस्टा वैसे ही बहुत चलती है, ठीक है, वाइट कलर की कार है ये, कमर्शियल कार नहीं है, प्राइवेट कार है, किसी okay. कस्टमर की कार है, कोई दिक्कत नहीं। इनोवा क्रिस्टा 2.4 2018 ऊंचा मॉडल है, हर कोई मानता है, 59,000 चलिए, सेकेंड ओनर गाड़ी है, 18,50,000 रुपये मांगते हैं, डीजल की गाड़ी है, ठीक है, एंड 18,50,000 रुपये ऑटोमेटिक नहीं, ठीक है, नेगोशिएबल है, एंड 18 मॉडल है, इजीली फाइनेंस हो जाएगी आराम से, इजीली जितनी करो फाइनेंस हो जाएगी, एंड नियर 59,000 किलोमीटर चली है विद सर्विस रिकॉर्ड, एंड दिल्ली नंबर है, दिल्ली नंबर है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं मर्सिडीज बेंज E250। सो भाई डीजल है पेट्रोल है? ये डीजल है। ओके डीजल है, पेट्रोल तो E200 होता है ना, ठीक है, डीजल की गाड़ी है, ई क्लास, न्यू शेप है, प्रॉपर वाली न्यू शेप नहीं है, लोगों को पुरानी शेप पसंद नहीं आती, लेकिन ये शेप न्यू है, पुराने okay. वाली से अपवर्ड वाली शेप है, 2014 गाड़ी है, सेकेंड ओनर कार है, 65,000 चली है, फ्रंट ग्रिल आप देख लो, दिल्ली नंबर आता है 6390। बात करेंगे प्राइस की, 17,90,000 रुपये मांगते हैं, बाकी आपको बताइए ऑन टेबल नेगोशिएबल तो है, ठीक है, न्यू शेप कार है, जो बेज इंटीरियर, गाड़ी बहुत साफ है, कोई ऐसा इसमें कोई पार्ट नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो या कुछ भी हो,
ये अंदर अभी इसलिए खड़ी है, ये वॉश वगैरह हुई थी, अभी इसके ऊपर पॉलिशिंग वगैरह होनी है, इसलिए अंदर खड़ी थी, हमने लास्ट में कवर करी है। ठीक है। सो भाई मतलब जैसे कोई भी कार, जैसे हम मिस्टर कार से लेते हैं तो मतलब पॉलिशिंग वगैरह सब करा कर दी जाएगी ना? पॉलिशिंग वगैरह ये हमारा पे होता है कि हम कस्टमर को अगर कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं तो हम उनको बिल्कुल देते हैं, कस्टमर से कोई वो नहीं है नाराजगी वाली बात। हम उसको सिरेमिक कोटिंग भी कई बार देते हैं, परफ्यूम्स वगैरह ऐड करा देते हैं। हालांकि बेसिकली ये चीज़ न्यू कार्स में होता है, न्यू कंपनी अगर न्यू कार लेती है, यूज कार में इतना बेनिफिट नहीं होता। हम गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं ऑन डिलीवरी टाइम, ऑन डिलीवरी हम इसको वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, सिरेमिक कोटिंग, जो हमारे से बेस्ट बेस्ट हो सकते हैं डिटेलिंग, हम इसको सब कुछ न्यू की न्यू ब्रांड न्यू कार जैसे बनाते हैं। भाई मतलब एकदम न्यू कार जैसे ही देते हैं ना? न्यू कार देते हैं, मतलब फील भी एकदम न्यू कार जैसी है, आप कह सकते हो बिल्कुल। हाँ जी, रिबन्स वगैरह ऊपर हम कोट वगैरह हर चीज़ करा के रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, डिलीवरी देने से पहले। ओके ब्रो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यूज कार लेके जा रहे हैं, हम ऐसा फील नहीं होने। ओके ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट कार हम आपको दिखा रहे हैं क्रेटा। सो भाई बताइए इसके बारे में। आपकी लास्ट गाड़ी है, सारी सेगमेंट हमने कम्प्लीट कर ली है, आपको एसयूवी भी दिखा दी, छोटी गाड़ी भी दिखा दी, सेडान में भी दिखा दी, सीएनजी भी दिखा दी। ये हमारी लास्ट कार है, क्रेटा एसएक्स ऑटोमेटिक है, एसएक्स ऑप्शनल में सनरूफ आता है, इसमें सनरूफ वाला नहीं है। 2016 है, 28,000 जेन्युइन चली है, सिंगल ऑनर गाड़ी, डीजल की गाड़ी है, 10,50,000 मांगते हैं, बाकी नेगोशिएबल। न्यू शो फ्रंट ग्रिल्स वगैरह, न्यू लाइट्स, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प वगैरह सब कुछ आते हैं, टच इंफोटेनमेंट वगैरह हर चीज़ मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इसके अंदर हर चीज़ आती है, हाइट एडजस्टेबल भी आती है, मैं जितने फीचर्स बताऊंगा सब आता है। ठीक है। बस इसमें एक अपर वेरिएंट है जिसके अंदर सनरूफ आता है, ये सनरूफ वाला नहीं है। ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, 10.50, नेगोशिएबल, आपका कूपन कोड अगर होगा रोहित रोम्बस के नाम से तो डेफिनेटली और डिस्काउंट दे। एंड गाइस सिंगल ओनर है, सिर्फ 28,000 ही चलिए, विद सर्विस रिकॉर्ड, विद सर्विस रिकॉर्ड, आप कहीं पर भी चेक करा सकते हो, हुंडई के शोरूम हर सिटी में अवेलेबल है। ठीक है ब्रो। सो गाइज आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में कौन कौन सी कार देखनी है। सो भाई फिर बताओ कौन कौन सी कार सिखाओगे नेक्स्ट व्लॉग में, कोई आइडिया हो तो बताओ व्यूअर्स को। अगली गाड़ी आएगी तो हम आपको मस्टैंग जरूर दिखाएंगे, येलो कलर की कार है, मस्टैंग है। ओके, रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, जो सी आपको आपको वो दिखा देंगे। ठीक है। मस्टैंग, अगली बार आपको जैगुआर, BMW, Mercedes, मिक्स स्टॉक दिखाएंगे, मिक्स स्टॉक दिखा सकते हैं। अगर आप कहोगे कि पंचुअलिटी एक ही गाड़ी का सेगमेंट चाहिए वो भी दिखाएंगे, मिक्स भी दिखाएंगे, जो कस्टमर की प्रेफरेंसेज होगी आप इनके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, ठीक है। मैं वो गाड़ी के लिए अपने सीनियर से बात करूंगा, हम गाड़ी और मंगाएंगे। ठीक है ब्रो। सो गाइस आज के लिए गुड बाय।